यूट्यूब चैनल सर महम्मद इरज खान लेक्चर नंबर वन सिक्सटी थ्री चैप्टर नंबर थ्री डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिक्नोमैटिक एंड इनवर्स टेक्नोमैटिक फंक्शन सेकेंडरी की बुक का टॉपिक है इनवर्स टेक्नोमेटिक फंक्शन हम लास्ट के आठ नौ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और मज़ीद भी पढ़ लें और उससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हमने डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिक्नोमैटिक फंक्शन पढ़े थे चैप्टर थ्री में दो चीज़ें पढ़नी है एक टिक्नोमेटिक फंक्शन है दूसरा इनवर्स टिक्नोमेटिक फंक्शन फंक्शन है जिन्होंने चैप्टर टू करा हुआ है उनके लिए बहुत आसानी से चैप्टर थ्री भी हो जाएगा इसका रीज़न ये है कि उनको डेरीवेटिव करने आते हैं जिनको डेरीवेटिव करने करना सीखना है वो पहले चैप्टर टू टू देखें उसके बाद चैप्टर नंबर थ्री पर आएँ ओके जी और फंक्शन लिमिट से दो सवाल बनेंगे एग्जाम के अंदर इसी तरह दो सवाल चैप्टर टू से बनेंगे एंड देन चैप्टर थ्री से भी हमारे दो दो सवाल बनेंगे या एक एक सवाल बनेगा तो वो पार्ट बन जाएगा ए पार्ट बी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट फिफ्टी परसेंट हमारा बेस कर रहा होगा एग्जाम हमारा एग्जाम बेस कर रहा होगा एम सी क्यू एस के ऊपर इनवर्स एग्नोमेटिक फंक्शन की बात हो रही है हमारे पास फंक्शन है गया सेक इनवर्स साइन एक्स अच्छा इस तरह की जब कंडीशन आ रहा है सेक इनवर्स साइन एक्स तो हम देखें आप सबसे पहले काम क्या करना है वाई के बराबर करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड दोनों साइड पर डिफ्रेंशिएट करेंगे अब हमें मालूम है कि सेक इनवर्स का जो फार्मूला है सेक इनवर्स एक्स ये बराबर होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अब देखें फार्मूला जब लगाएंगे शुरू में क्या लिखा है एक्स एक्स क्या ये एंगिल, एंगिल है ये एंगल एंगल के अंदर जो लिखी हुई चीज़ है ये साइन एक्स एंगल के अंदर लिखा हुआ है सेक इनवर्स थीटा की जगह क्या लिखा है साइन एक्स तो ये साइन एक्स हमारा क्या एक्स है तो एक्स बाहर है तो हमने साइन एक्स बाहर लिख दिया रूट लगा हुआ है रूट लगा दिया फिर एक्स स्क्वायर यानी ये हमारा एक्स है जो एंगल के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है टेन इनवर्स कोट इनवर्स एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो वो हमारा एक्स से स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा दिया प्लस वन प्लस वन अब इनवर्स फंक्शन हो या नॉर्मल फंक्शन हो पहले उसका डेरिवेटिव लेते हैं ये डेरिवेटिव है इसका ये ले लिया लिख लिया इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दी ये इतना डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो गया लेकिन अब एंगल का भी तो डेरिवेटिव होता है क्योंकि टिग्नोमेटिक फंक्शन के अंदर हम तीन दफा डेरिवेटिव करते हैं एक दफा पावर के साथ दूसरी बारी में विदाउट पावर तीसरी बारी में एंगल अब यहाँ पावर तो कोई है नहीं तो विदा तो सिंपल है फार्मूला सेकेंड वर्स का ये लगाना है और उसके बाद ये एंगल का डेरिवेटिव ओके जी एंगल क्या है साइन एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव अब हमें मालूम है कि पहली ड्रम वन की वन आ गई साइन का हमारे पास नीचे साइन आ गया अंडर रूट का अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस का वन ये तो नॉर्मल आ गया अब हम हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है कॉस एक्स क्या होता है वो कॉस एक्स तो साइन एक्स की डेरिवेटिव की जगह आप कॉस एक्स पुट कर सकते हैं क्योंकि इसके बराबर होता है और अब हम जानते हैं वी नो एट अगर आप नहीं जानते तो लिख लें आप जन जाएंगे कॉड एक्स यानी कॉड थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटापोन साइन थीटा तो हम क्या करेंगे जी जहाँ जहाँ हमारे पास ये ये लिखा हुआ ऊपर कॉस सीडा थीटा कॉसिटा थीटा और अपॉन साइन थीटा नीचे साइन थीटा है तो ऊपर कॉस थीटा पॉन साइन थीटा इन दोनों की जगह ये एक नंबर आ जाएगा क्या आ जाएगा कॉट थीटा कॉट एक्स थीटा में कर दिया एक्स एक्स तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा एक्स तो मैंने क्या कर रहा देखा कॉसिटा डीटा साइन डीटा नीचे आ गया अंडर रूट साइन स्क्वायर डीटा प्लस का वन आ गया अब हमें मालूम है कि डीटा बॉन साइन डीटा यानी इन दोनों को मिलाकर एक नंबर आ गया कॉड एक्स कॉड एक्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस का वन ये हमारा आंसर आ गया थैंक यू वेरी मच इस अपने बन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इराश खान आपको अल्लाह हाफिज करता हूँ अल्लाह हाफिज़